लेके जाकर तो भूखी नहीं रह जाएगी। पिछले दूसरे प्रश्न की वो रहते ही कहां पर पर भूखी रहेगी। माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती है, भैया एक लक्ष्मी नहीं जहाँ पर हजार हजार लक्ष्मियां जहाँ झाड़ू लगाती है, बेटी भूखी नहीं रहेगी, एकदम चकाचक रहेगी। बोले भैया आपके परिवार के लिए, बोले परिवार, बोले पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब सबको जो आनंद दे। बोले मैया का नाम, बोले यशोदा, सबको जो जस दे। बोले भैया, बोले दाऊ भैया, बोले वाह बड़ा सुंदर है। अभी उन्होंने चौथा प्रश्न करते जो सबसे महत्वपूर्ण है, बेटा दिखने में सुंदर, पैसा कमाता है, पिता माता परिवार भी सुंदर, चौथा चीज है उसका नेचर कैसे। इसलिए क्योंकि अभी मैं एक का नौकरी कर रहा हूँ ब्रह्म का, अभी इसकी नौकरी छोड़ करके दूसरी की नौकरी करूंगा, ऐसे नहीं दो दिन बाद में लात मार कर तुम्हें को भगा तो नहीं देंगे। भैया उसका नेचर कैसे है। अरे चौथा चला दी, चौथा श्लोक को बोले, बोले अहो बग्यम स्तन काल मूढ़म जिज्ञासया अपि असाति लेभे गति विभागुचितं गत्वनं कम्बातया लुसरणं प्रजेम। बोले भैया कृष्ण जैसे बढ़िया आदमी दुनिया में कोई नहीं। भगवत की वक्ता, बोले श्रोता कौन है, बोले अपने श्रवण कर रहे थे पहले। बोले भैया श्रोता भी साधारण नहीं। बोले कौन, बोले श्री परीक्षित महाराज, जो मातृ गर्भ में भगवत दर्शन की और जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहे थे, गर्भ में हमने जो भगवान को दर्शन किया वो कहाँ है। इसलिए इनका नाम परीक्षित नाम पड़ा। इसलिए वक्ता जैसे श्रोता भी कम नहीं। इसलिए अभी हरे कृष्ण कल है, अभी हमारे महाराज कथा सुनाएंगे, कल है भागवत में भगवान कृष्ण कल जन्म लेने वाले। जब मैया यशोदा गर्भधारण की ना, जितने ब्रज भूमिया क्या हो, क्या पहन कर क्या हो, अगर धोती हो ना, कोशिश करना धोती पहन करके आने के लिए। देखो आप कभी कभी आप लोग नहीं, जब इस्कॉन मंदिर में कभी जाओ ना, आप देखना वहां पर बगैर धोती को कोई नहीं आते। सब के सब वो क्या करते हैं, मंदिर में एक जाकर पर धोती को रख लेते हैं मंदिर में। जब आते हैं ना मंदिर में, पहले अपना प्यांट को बदला करके धोती, ये कौन, बोले ये क्या कर रहा है, बोले हम चाहता हूँ धर्म कर्म को मैं नष्ट कर दूं संपूर्ण, कोई धर्म कर्म रहे नहीं। अरे तुम्हारा बोले मेरे सामने से हट जा, मैं तो जान से मार डालूंगा। बोले प्रभु संपूर्ण पृथ्वी का अपराध करते हैं, अभी मैं जहाँ जाता हूँ आपको वहीं पर देखता हूँ, मेरे को स्थान दे दो। अरे परीक्षित महाराज सोचे दूं कि नहीं दूं। देखा जितने भी कलयुग में अधर्म, और श्री परीक्षित महाराज देखा ये जो कली है ये साधारण कली नहीं, ये धन्य कली युग है। क्योंकि हर कली में महाप्रभु नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं, हर तृतीया में राम नहीं आते। ये ब्रह्मा का एक दिन में एक बार, एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग के बाद में एक बार आते हैं। और ये कली युग देखो, कली युग में कोई जन्म लेना नहीं चाहता। क्यों, भाई भाई में कली, बहु बहु में कली, पड़ोस में कली, देश देश में कली, मन मन में कली, कली जहाँ सब लोग झगड़ा झगड़ा। इसलिए कली युग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग जिस कली युग में आए ना, ये जो कली युग कहते धन्य कली युग। बोले क्यों, बोले इसी कली युग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए भागवत में बताया देवता लोग भी इसी कली युग में जन्म लेना चाहते। बोले देवता की बात छोड़ दो, सत्य त्रेतया द्वापर युग का जो लोग है ये कली युग में जन्म लेना चाहते। बोले इसलिए श्रीमन महाप्रभु केवल थोड़ी सी हरि कीर्तन करने पर उनको ब्रज प्रेम, राधा रानी की निकुंज महल की सेवा प्रदान करे। जो उस प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद कठोर तपस्या करते हैं, महाप्रभु को दुर्लभ में कोई दोष नहीं, उसमें निकोटिन एक पैजन जहर कपिन डालते हैं। देखना शराब पीने पर जैसे मत पिए घबरा आती है, ये चाय पीने वाले देखना समय आए चाय मत पिए क्या होगा, सर दर्द करना शुरू हो जाता। बोले क्यों, बोले इसमें निकोटिन जहर है। इसलिए पहले भारत में कोई नहीं चाय पीते थे, ये अंग्रेजी लोगों ने ये अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या किया। बोले देखो जो एक कप चाय पिएगा ना उसके, अगर कल हो सके ना, आप लोग जैसे खिलौना है टब भी है जैसे लुटाते ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, अगर हो सके तो थोड़ा अपना लिया भगवान। Thank you.
के गुरु पाद पद में अर्जुन को भी हम निवेदन करता हूँ। तो उपस्थित मंच पर आज परम पूज्य पाद भक्ति वेदांत सिद्ध महाराज और श्री संत महाराज डार्विन ने कोई गलत नहीं लिखा, पर डार्विन ने जो लिखा है और उस थ्योरी को जो निकाला है कहाँ से लिखा उनको पता नहीं, उन्होंने ब्लड से ही कल्चर किया, ब्लड कल्चर से ही बताया कि हाँ मनुष्य बंदरों के समान, पर तो ये बात कहां तक सत्य है? सच है ये लोग वो तो बोले, परंतु जब देखा गया कि हमारे पुराणों में वर्णन है, भविष्य पुराण में इसका वर्णन आता है, भगवान श्री राम जी ने जब लंका विजय किया और लंका विजय आज से पौने 2 करोड़ वर्ष पहले हुआ, 1,75,00,000 वर्ष पहले लंका विजय हुआ, और उस समय रावण वध होने के पश्चात जैसे बंदर सेनापतियों ने ये बात कही, और बंदर सेनापति है कौन, ये तो सब देवता है, देवता ही बन करके आए, बंदर बन करके आए, अच्छा लड़ाई तो लड़ी, इसके पश्चात जैसे उन्होंने मांग की श्री राम जी ने कहा कि देखो हम भारतवर्ष में मर्यादा स्थापित करना चाहते हैं, तो उसमें ये कैसे स्थिति बने, वहां पर जैसे कैसे कैसे अनुमानित हो जाए, ये तो माना नहीं जाएगा। तब उन्होंने कहा एक काम करो, भारत वर्ष से बाहर दूसरे दूसरे द्वीपों में जा करके तुम लोग बस जाओ, तुम वहां पर जाते इंजॉय करो, तो हम मना नहीं करेंगे। तो ये जब कहा गया तब बंदर सेनापतियों ने वहां के देवस्त्रियां जो है लंकापुरी में रावण हरण करके लाए, बड़ी बड़ी सुंदरी लड़कियां थी, तो उन सबको हरण करके ले जाकर के उनके साथ बिहार की मस्ती की, धीरे धीरे उनसे जो संतानें आई देखा जाता है उनके वंशज बड़े बड़े सुंदर लड़के और लड़कियां हुई है, तो उनके वंशज बन गए, परंतु उनके खान पान रहन सहन में बंदर का नीचा रह गया। आज तक देखें यदि आप विदेशियों को देखें गोरे लोगों को देखेंगे क्या उनमें क्या देखने को मिलेगा, उनके रहन सहन खान पान में भी बंदरों का जैसा नीचा मिलेगा, खान पान रहन सहन सराय से, और अपने को क्षत्रिय मानते और शासक मानते हैं, हम दूसरों पर शासन करें सभी हमारा स्लेव बन जाए, कृतदास बने, हम उनसे काम करेंगे। आज तक भी वही होता है, अमेरिका कहें और इंग्लैंड कहें यूरोप कहें कहीं भी देखिए सब कृतदास बनता है, और वही सब चलता है, उसी की लड़ाई चलती है, और क्या होता है। तो ये लोग जो बच्चे इसके पश्चात सूर्य वंश और चंद्र वंश आया, संसार भर में जितने भी मानव देखे जा रहे हैं सभी चंद्रवंशी कहलाते हैं, चंद्रवंश विस्तार लाभ किया, सूर्य वंश के लोगों का प्रभाव कम हो गया, यानी लोग भूल गए जाति और वंश को, इसलिए ऐसा हो गया सूर्य वंश। आज भी देवापी और मरु सूर्य वंश के राजा कलाब गांव में बद्रिकाश्रम कलाब गांव में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, कलयुग के अंत होने पर फिर भी आएंगे, आकर के सूर्य इसी प्रसंग में ही चलता है। तो उसमें क्या है कि देखिए हिरण्याक्ष की जो बात कही है जन्म की प्रक्रिया के बड़े रूप में बड़े सुंदर बात कही है, तो इस बात को फॉलो करना अति जरूरी होता है। यद्यपि ये बातें माताओं के लिए होती हैं, यहाँ सभा में बोलने योग्य हम भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए, फिर भी कथा प्रसंग में क्यों लोग जानते हैं और सीखे नहीं है भी। तो इन बातों को देखिए भागवत में ही दिखा रहे हैं सृष्टि प्रकरण में, जो कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने कैसे, शाम के समय माँ ने संतान धारण कर लिया था, इसलिए असुर एक वेला में संतान होने के कारण असुर संतान आ गया, उनमें ये स्वभाव संस्कार आ गया।
तो सृष्टि प्रकरण जो वेदांत में आता है उसमें दैव काल कर्म प्रकृति और स्वभाव होते मनुष्य ये मरने के पश्चात जमलोक को जाते हैं। जमदूत आते हैं जमलोक को उठा के ले जाते हैं, उनके कर्मों के अनुसार जम यातना दिलाते हैं, फिर कुछ देर भोग कराने के पश्चात उसे बाहर निकालते हैं। ऐसे ही जो पुण्यात्मा जीव होते हैं वे चंद्रलोक को जाते हैं और वहां जाकर के उनका वायु शरीर होता है, उस वायु शरीर में वो चंद्रलोक में रहते हैं और वहां जाकर के सुख भोग करते हैं, आनंद भोग करते हैं। यहाँ जो तर्पण आदि होता है, जो कुछ उनके लिए किया जाता है वे उनको मिलता है और उससे आनंद उपभोग करते हैं। उस समय पर सर वो भी बाहर निकल आ जाते हैं वायुमंडल में। ऐसे पर भगवान विश्वक्षण के दूत विष्णु दूत आते हैं, आ करके उनको ले जाते हैं। उन्हें कहाँ ले जाते हैं? सूर्य किरण में, सूर्य लोक में ले जाते हैं। और सूर्य लोक में रहने के पश्चात जी फिर वहां से निकल के आते हैं, ऐसे चंद्रलोक से, ऐसे जमलोक से आकर के वायुमंडल में जो आकाश में बादल है, बादल में आकर के मिल जाते हैं। तो मिलने के पश्चात जीवात्माएं असंख्य असंख्य जीवात्मा करोड़ों करोड़ों और अरबों जीवात्माएं वायुमंडल में बादल में है। तो यही है भगवान का स्टोर, जहां पर जीव समुदाय वहीं पर निवास करते हैं। जब वायुमंडल में होते हैं तब जीवात्मा सेंसलेस हो जाते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं चलता। फिर क्या होता है? पानी ये गलत नहीं है, ये सही है, भागवत में भी दिखा रहे हैं क्रम विवर्तन होता है। प्राणियों का ऐसे बदलाव होते होते घूमते घूमते जब जीव शुद्ध होता है तब मानव कुल में आकर के जन्म लेता है। तो मनुष्य कुल में आकर के जन्म लेकर के फिर पूर्व कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार और संघ के अनुसार वो बदल जाते हैं। जीवों का ऐसे परिवर्तन होता है। तो एक ही घर का संतान देखिए, कोई बालक देवता बनकर के आ रहा है और कोई बालक दानव बनकर के आ रहा है। एक ही घर में एक ही माता के कोख से एक ही पिता के संतान बदला हुआ। बोले ये सब क्यों होता है? जैसे अभी बताया था कि समय का फेर होता है, आसुरिक बेला में आसुरिक समय में संतान नहीं देना चाहिए। इसी तरह से माँ ने स्नान करने के पश्चात चौथे दिन में सबसे पहले किसको देखा? 6 महीना हो जाने पर उसको ज्ञान और सैकड़ों जन्म की बातों को याद करता है और छटपटाने लगता है। तो उस समय यदि माता के कोख में रहते हुए बालक को कोई अच्छी शिक्षा मिल जाए, जो शिक्षा मिलते हैं वही उसी को पकड़ लेता है। यदि माँ अच्छी बात करे, भगवान की कथा सुने, भजन करे, भक्ति करे, तो बालक भी ऐसे बन करके आ जाते हैं। जितने भी संतान संतति हुए ऐसे ही। अब फिर और एक रहस्य वाली बात है जो अभी आप लोग कहो तो आप लोग बिगड़ नहीं आए। तो देखिए बात कितनी गंभीर है और ये सारी जांच की हुई बात है, परीक्षा की हुई। तो बात क्या है, जैसे बच्चा जन्म होता है, बालक के या बालिका के जन्म होने पर उसको आप क्या करेंगे? 3 महीने तक माता पिता किसी दूसरे किसी को उस बालक को नहीं देंगे। दूसरे किसी को दे दिया तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि चंचल हो गया और बुद्धि चंचल हो जाने से, मन चंचल होने जाने से बुद्धि बिगड़ जाती है, बुद्धि की कमी हो जाती है। देखा गया बच्चा इतना प्रखर बुद्धिमान है, एक बार सुनेगा तो दोबारा सुनने की जरूरत नहीं, एक बार बोलेगा तो हो गया, एक बार पढ़ेगा तो बस एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसे बच्चों की बुद्धि देखी जा रही है। अभी प्रत्यक्ष में हमने बंगाल में बताया लोगों को, तो ऐसे ऐसे देखा दिखना बुद्धि के आगे। तो हम भी जैसे गए कि भाई बचपन में हम गुरु जी के पास में आए, तो गुरु जी की कृपा रही, तो उस समय हम छोटा बच्चा था, मैं भी छोटा बालक और पढ़ता, बड़े बड़े किताबों को दे दिया गुरु जी, बोले पढ़ करके तुम्हें सुनाना पड़ेगा। एक बार बोलने के बाद एक बार पढ़ करके हम सुनाते थे।
भागवत गीता ने ये सारा ऐसे सब हम लोगों को एक बार में कंठस्थ करवा दिए, और जितने ग्रंथ हैं सब और श्लोकों को हजारों हजारों श्लोक एक एक दिन में 70-80 श्लोक सुनाकर याद करके एक एक बार में याद कर दिया, और करके गुरु जी को हम सुनाते थे, सुना करके फिर नाश्ता पानी देते थे। तो ऐसे नियम तो हजारों श्लोकों को हम लोग याद करते चले गए। तो ये जब हम लोगों का जन्म भी गाँव में हुआ है, कोई माता का ऐसी संस्कार बनी है, जो थोड़ी सी बुद्धि आ गई थी उस समय हम लोगों ने तो पढ़ लिया था इतना किताबों को, परंतु अब तो नहीं होता, अब तो समय बदलता चला गया। फिर भी देखा जाता है बुद्धि की तीव्रता उसमें होती है, जब बच्चे की सावधानी से रखें किसी का हाथ में, और अच्छा संस्कार लाने के लिए माता को भी पहले देखना पड़ता है कौन से किसका मुंह हमने देखा। यदि अच्छे व्यक्ति का मुंह देखा तो अच्छा स्वभाव संस्कार लेकर के आ जाएगा, और सारा वहीं बदलता है, सारा रद बदल यहीं पर होता है। चलिए तो सृष्टि प्रकरण, सृष्टि प्रकरण के साथ में दूसरा एक प्रकरण आता है भागवत जी के अंदर में, जो अभी भागवत की कथाओं में भरत महाराज जिनके नाम से ये भारत वर्ष हुआ है। भरत महाराज जी दिन से जन्म में गूंगे बन करके रहे, और रघुवर महाराज जा रहे थे पालकी में, फिर चलते चलते रास्ते में सही ढंग से नहीं चल पा रहे, कीड़े मकोड़े देख के चलते, तो उनको डांट लगाया, गाली दे दी, बोले मैं राजा हूं, मैं शासन करता हूं, तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, तुम डरता नहीं है, सावधानी से चलो, नहीं तो फिर से उचित सजा मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें, तब उन्होंने जीवन भर जो बातें नहीं की उस समय खोल करके कहा कि कौन राजा कौन प्रजा, कौन सुखी कौन दुखी, कौन किसको शासन करता है और कौन दंड भोग करता है, और ये सब तो कर्मों का खेल है, और इस जगत एक कर्ममय जगत है, तो इन कर्मों के कारण सब कुछ परिवर्तन होता है। तो राजा ने कहा भाई पालकी उतारो, उतारते ही वो बाहर आकर के देखा कि इस ब्राह्मण के इस व्यक्ति के गले में जनेऊ पड़ा हुआ है, और सारा शरीर मैला मैले से भरा हुआ है, छोटा सा एक कमर में गमछा की तरह एक कपड़ा है। बोले ये ब्राह्मण आप कौन है, आप मुझे अपना परिचय बताएंगे। तब उन्होंने बताया अहम पुरा भरतो नाम राजा आसीत, मैं पुरा काल में भरत नाम का राजा आपके ही पूर्वज राजा था, और कर्मों के कारण हिरण के प्रति आसक्ति होने के कारण दूसरे जन्म में हिरण बना, तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में आया, जानबूझ करके मुझे पूरा स्मरण बना रहा है, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता, आज जीवन में पहली बार आपसे बात कर रहा है। तो बोले महाराज आप कुछ मुझे सुनाइए। जब सुनाने की बात आई तब उन्होंने कहा देखो शरीर में क्या होता है, शरीर के अंदर में क्या है, मन है, इंद्रियां है, इंद्रियों के अंदर में क्या है, मन है, मन के अंदर में क्या है, बुद्धि। गर्मी कहां लग रही है, बर्तन के नीचे, और बर्तन गर्म होकर के उसके अंदर जो पानी है, पानी खोल रहा है, पानी खोलते ही उसके अंदर जो चावल है वो गल रहा है, भात बन रहा है। ऐसे ही हम शरीर से अलग हैं, परंतु तो शरीर में रहते हुए संसार का ताप हमें अनुभव होता है। ये अनुभव किसको हो रहा है, शरीर से इंद्रियों को, इंद्रियों से मन को हो रहा है, मन से बुद्धि को जा रही है, और बुद्धि इसमें सुख या दुख का अनुभव करके विचलित होती है, और उसी से आत्मा को अनुभव होता है, तब आत्मा ज्ञानमय है, इसलिए आत्मा को ये अनुभव होता है। हम शरीर में बने हुए होने के कारण इस संसार में सुख और दुख का अनुभव करते हैं, तब भरी खराब कर दी, जिससे वो आगे बोल भी नहीं सकेंगे, ग्रहों का ठिकाना इत्यादि नहीं बोल पाएंगे, ऐसे करके बुद्धि को खराब करके उसको छोड़ दिया। वो व्यक्ति जंगल में घूमता है, जंगल में घूमते हुए
तो वो भी बेचारे अब कहाँ जा रहे, जंगल में खाता पीता है, कैसे भी रहता है, पत्ता घास फूल फल फूल पत्ता यही सब खा करके रहता है, नहीं प्राणियों को कीड़े मकोड़े को मार करके खाता है। ऐसे करते हुए उसका जीवन मिलते है, साथ ही उसके जीवन के साथ साथ ऐसे और भी लोगों के जीवन बीता, और रास्ते में चलते फिरते हुए जंगल के अंदर धंसती हो गए। धंसती हो जाने पर वो रह करके बोले, भाई हम कहाँ भट गए, बहुत बड़े विशाल जंगल है, कोई रास्ता भी नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता, तो उसी में रह करके अब जंगल के निवासी बन गए। ऐसे करते हुए किसी तरह से पशुओं को मार करके खाना पीना रहन सहन ऐसे करने लगे। ऐसे करते करते उन्होंने वहीं पर शादी भी कर ली और उससे दो चार बच्चे भी हो गए। उनको लेकर के घर संसार करने लगे, कैसे भी बड़े कष्ट से जीवन यात्रा करने लगे। बुद्धि भी तो बिगड़ गई, खराब कर दिया, और उसी स्थिति में वो जी रहे जंगल में निवास कर रहे। जैसे पहले जमाने में लोगों को खाला पानी में देते थे, कहाँ कहाँ भटकते चले और कैसे कैसे जीवन बीता, तो वही स्थिति भागवत में दिखा रहे। बोले कि वो व्यक्ति एक दिन जंगल में घूम रहा था, घूमते घूमते देखा कि पीछे से एक बाघ दौड़ता हुआ आ रहा है उसके प्रति। तब उसने देखा दौड़ के पेड़ पर चढ़ने को समय नहीं, तो चढ़े चढ़े भी तो बाघ भी चढ़ जाएगा पेड़ के ऊपर, इसलिए उसने देखा कि सामने एक कुआं पड़ा हुआ, तो कुएं में पानी नहीं सूखा कुआं और दीवारों में झोप झाड़ी जैसे जंगल बन गए। तो उन पेड़ों की झोप झाड़ी को डाली को पकड़ करके उसी कुएं में लटक गया। कुएं में जब उन्हें लटका, लटकते ही नीचे था सांप, उस सांप फन उठा करके फौस फौस करने लगा कि नीचे पहुंच जाए तो खा जाएगा। ऊपर में बाघ आ गया हाँ हाँ कर और जा करके उसको कुरेद रहे हैं, डाल को काट रहे हैं। कितने देर रुक पाएंगे, रुकने का समय नहीं, मरण चारों ओर से घेर गया। ऐसी मृत्यु की स्थिति में वो बेचारा देख रहा है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, मरते मरते अभी महाराज जी ने जैसे बताया ना, लोग पी करके पड़े रहते हैं रास्ते में, और उनको ये भी बताया नहीं कि कुत्ता कुओं में चट रहा है, वो भी सुन रहा है, अरे बड़ा सुगंध आ रहा है तो उसको चाट रहा है, तो कुत्तों के साथ में दोस्ती हो जाती है। तो ऐसे ही इस व्यक्ति का क्या हुआ, वो देख रहा है अब तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊं तो अरे गमी में खो जाऊं, खो करके ही मर जाऊं। तो ये जो शहर में पड़े हुए कि जमराज हमारी चोटी को पकड़े हुए टाइगर के समान, और जो काल रूपी सर्प वो फोन उठा करके फंस फंस कर रहा है, खाने को काट रहा है, खाने को दौड़ रहा है। मधुमक्खी की छत्ता ये संसार, बंधु बांधव आत्मीय सजन पुत्र परिवार, इन सब के बीच हम सोच रहे हैं कि हमें दो बूंद शहद मिल जाएगा और उसमें हम खुश हो जाएंगे, परंतु लोग संसार में कितने सुखाल सुख में कितने खुशहाली में रह रहे हैं, बोले ऐसा ही ये क्रिया रूपी अंदर को है। और इससे निकलने के लिए एकमात्र उपाय, हे नाथ राखो शरण, हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारे, यही प्रार्थना, इसी प्रार्थना के साथ में हमारा जीवन का उद्धार होगा, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। देखिए प्रहलाद जी की कथा में क्या है, अभी अभी नरसिंह चरित्र और नरसिंह जी की आविर्भाव तिथि, उसमें भी यहाँ पर कथाएं भी हुई थी। अब देखिए हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से निर्देश करके उन्होंने कठोर तपस्या की, कितने 60,000 वर्ष तपस्या की, कहाँ पर मंदराचल पर्वत में, हिमालय के ऊपर मंदराचल पर्वत में जाकर के तपस्या की, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करता हुआ तपस्या करते करते दिमाग का ढेर लग गया,
और हड्डी के अंदर उनका प्राण बचा हुआ है, कठोर तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? कि मैं अमर बन जाऊं और विष्णु का छक्का छुड़ाऊं, यही उनका काम है, इसके लिए तपस्या कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके पुत्र प्रहलाद माता के कोख में, माता के कोख में जहां बड़ी विपत्ति में परेशानी में फंस गई थी माता, तो उस समय देवराज इंद्र के हाथ से नारद जी ने छुड़ा दिया और उनको भागवत की कथा भगवान की कथा। तो वो जो प्रहलाद बालक माता के कोख में रह करके नारद के कोख में वे भी 60,000 वर्ष तक रहे और इतने समय तक तपस्या कर रहे हैं भगवान की तपस्या में बैठे। इसलिए जब हिरण्यकश्यपु तपस्या से लौटे, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, वरदान दिया, बोले कि तुम वर मांगो। वे बोलते हैं कि हमें अमर वर चाहिए। ब्रह्मा जी बोले अमर वर तो नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ मांगो। तब उन्होंने चतुराई की, घर में नहीं, बाहर में, दिन में नहीं, रात में नहीं, अस्त्रों में नहीं, शस्त्रों में, कोई भी प्राणी मुझको मार न सके, मैं मृत्युंजय वीर बन। तो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो तुम कितनी भी बुद्धि निकालो, भगवान की बुद्धि तुम्हारे से तुमसे बहुत ऊपर है, रास्ता निकाल देंगे। ये सोच करके तथास्तु बोलते वर दे दिया। देने से हिरण्यकश्यपु तो तपस्या के बल पर और ब्रह्मा जी के वरदान से बड़े मदमत्त हो, तो उससे लौट करके आए। पर असुरों को क्या चाहिए? असुरों को दो चीज चाहिए। गुरु जी से जो कुछ सिखाए सुनाए उसमें से कुछ सुना दो, अच्छी बातें सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने क्या बताया? तद साधु मन ने सुर वर्य दीना सदा समुद्विघ्न धिया असत ग्रहा हित्वात्म पादम गृहमंत गोपम बनम गतो जत हरिमास्तहि। हे पिताजी, असुर श्रेष्ठ, ये असुर राज पिता संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो शांति में है? कोई नहीं। सभी को उद्वेग है, अशांति। इसलिए इस अशांति के कगार से निकलने के लिए एक ही तो प्रहलाद क्या बोले? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम बंधनम दासम सर्गमात्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति नवलक्षण क्री भगवती अध्यापी करे तब ये सर्वश्रेष्ठ विद्या के लगे। प्रहलाद ने तो बोल दिया सच्ची बात, पर हिरण्यकश्यपु के शरीर में लग गई आग, एकदम जल के बोले बुलाओ अभी संतावर के को। पकड़ करके लाए, मुंह तो हाथ जोड़ करके कांपने लग गए, थरारी कंप। बोले क्या बच्चों को ऐसे सिखाया तुमने, ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी? ये बार बार भी विष्णु की बात क्यों करता है? तुम्हें पता नहीं है अभी तुम्हें दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड। तो वे बोले महाराज, एक बात हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, इस बालक ने विष्णु की बात कही, यदि हमने सिखाया तो हमें डर, और यदि दूसरे किसी ने सिखाया तो इसके लिए हमें कोई कसूर नहीं। तो कृपया आप जांच करें, इससे पूछिए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बोले यही बालक बोल, किसने सिखाया तुम्हें? सच सच संसार में लोग भगवान को जानते तो है नहीं, कौन पराक्रम तत्व है, कौन सबसे बड़े देवता है, कौन से भगवान है, कोई पता ही नहीं, इसलिए लोग भटकते रहते। दुराशया उनका हृदय भी मलिन, मलिन होने के कारण
उस संसार को रुपए पैसे धन दौलत को बड़ा बनता है, घर संसार खाना पीना पुत्र परिवार बंधु बांधव रहन सहन यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे आगे की बात सोचता है तो ये लोग कैसे चावल के जो घास होते हैं उनको उसके ऊपर बैलों को बांध करके चलाते हैं तो बैल घूमते रहते हैं उनमें से धान निकल जाता है। ऐसे ही कोई चीजों को निकालते हैं तो बीच में क्या करते हैं ऐसे खूंटा गाड़ देते हैं, खूंटे में मोटी रस्सी बांध देते हैं और मोटी रस्सी में पतली पतली रस्सी के द्वारा 8-10 12 गाय के बैलों को बांध देते हैं और उनको घुमाते रहते हैं। तो ऐसे वो घूमते इसी प्रकार हम संसार में एक खूंटा गाड़ लिया है और उस खूंटे के चारों ओर हम घूमते हैं। हम सभी मिल करके इस घर को कैसे हम आगे बढ़ाए। पहले जैसे सीआर पार्क में बाजार में जाया करते थे कुछ के समय में तो पहले ही 1-2 मंजिल मकान देखते थे, अब जाकर के सीआर पार्क में देखे तो भाई 5-5 मंजिल मकान सब खड़े हो गए, सब लोग हाथ करके बैठ गए। बोले पहले तो बांग्लादेश के लोग थे और सभी लोग इतने बड़े बड़े मकान बना लिए, भाई बड़ा तरक्की किया है दिल्ली में तो बड़ी अच्छी बात। तो ऐसे प्रहलाद जी बोले कि हमारा मन ऐसे नहीं लगता है, दूसरों से भी नहीं लगता, हजारों व्यक्ति हमारे कान भरते रहते हैं तो भी हमसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि हमने संसार का व्रत ले लिया, संसार का घूटा गाल लिया। हम संसार की सेवा करेंगे पर भगवान की सेवा नहीं करेंगे। बोलिए कितने लोग भगवान की सेवा के लिए दीवानी बने हैं बताइए। बांके बिहारी मंदिर में लाखों व्यक्ति आ रहे हैं दुआ मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सभी मंदिरों में। वह तो हम प्रभु की सेवा करें उनके लिए हम दीवानी बन गए। कोई नहीं, कोई आदमी नहीं बनता सेवा करने को, कोई तैयार नहीं, सब भोग करने को तैयार है। तो इसलिए भगवान में मन लगेगा कैसे? कभी नहीं लगता। आज भागवत को इतना भी कृपा करते तो हो जाए सबका। बोले बोले भगवान अंतर्यामी हो करके भी, कर्मफल दाता हो करके भी वो ऐसा नहीं करते। क्यों? उन्होंने छोड़ दिया भक्तों के ऊपर। या भक्त चाहेगा कि ये व्यक्ति उद्धार हो, इनके अंदर में भक्ति हो और भगवान के पास जाए। जब ये कृपा शक्ति मिलती है तब भगवान उन पर कृपा कर देते हैं कि अच्छा भाई इस जीव का उद्धार हो जाए, उद्धार होता है अन्यथा नहीं। भगवान अंतर्यामी परमात्मा सबके घट घट वासी होते हुए भी नहीं करते। करते किससे? जो कोई व्यक्ति भक्त का आश्रय ले लेता है और भक्त जब चाहता है कि इस व्यक्ति का उद्धार हो, इसके अंदर में भक्ति हो, तब भगवान कृपा कर देते। तो इसलिए जब तक हम कोई संत वैष्णव का गुरु का आश्रय नहीं करेंगे, उनकी हम सेवा नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं। गुरु जी के पास में पथरा में हम देखते थे बड़े बड़े पंच तीर्थ सप्त तीर्थ बड़े बड़े रफी महारथ बड़े बड़े साधु आया करते और हम लोग उनकी खूब सेवा करते थे। गुरु जी बड़ा आदर करते उनसे पूछते थे अच्छा आप इतने बड़े सप्तरथी क्या सप्त तीर्थ पंच तीर्थ ऐसे बड़े बड़े उपाधियों को लेने वाले बड़े से बड़े विद्वान हैं, तो अच्छा ये बताइए आपके गुरु कौन है, आपने गुरु की कितने दिन सेवा की है, ये बात पूछते। तो हम खड़े खड़े देखते बोले भाई गुरु जी और कोई प्रश्न नहीं करते, इन्हीं लोगों से बड़े बड़े विद्वानों और बड़े बड़े पंडित गया भी था। तो गुरु जी इस तरह से डांट लगा देते और लोगों को हम देख करके ताजे हो जाते अरे भाई गुरु जी क्या बोले, असल में क्या है? बोले भाई गुरु का आश्रय करें और गुरु की सेवा करें तब बनेगा काम। एक समय स्वर्णानंद महाराज मथुरा के जब भी आचार्य बने तब उन्होंने कहा कि मैं बचपन से गायों की सेवा करता था और गुरु की सेवा में लगा रहा है।
मैं कुछ जानता नहीं था, समझता नहीं था, गुरु की सेवा करता रहा, सेवा करते करते आज उनकी कृपा है, उन्होंने ये शासन पर बैठा दिया। मैं किसी बैठ कर मुस्कुरा रहे हैं, मतलब पहले तेरे प्रभु को दिखाऊंगा, बाद में तेरे को दिखाऊंगा। इतने में हिरण्यकशिपु उठाया मुष्टिका का और मारे खंभे में, और खंभा फट गया और स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। जोर से कर लगा, बोले नरसिंह भगवान की जय। और इतने भयंकर शब्द हुई और इतने, तभी तुम नहीं मार सकते हो। बोले फिर जब मारने, बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, मारूंगा कैसे? बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरे नाखून को देखते देखते उन्होंने उनको पेट को फाड़ दिए और जितने नाड़ी हुई थी ना सब उन्होंने गले में पहन लिए। प्रश्न है पेट क्यों फाड़ी? बोले इसकी औरत से सही श्री प्रहलाद का जन्म हुआ है और प्रहलाद कितने बड़े मेरा भक्त है, इसलिए पेट फाड़ करके देख रहे थे और दो चार प्रहलाद निकल गए पेट से, इसलिए पेट को फाड़ दिए। फाड़ करके उन्होंने सिंहासन पर बैठ गए। जब बैठ गए इतने भयंकर स्वरूप था, ब्रह्मा जी मनाने के लिए आए, भगवान ऐसे तेरे चिंता जल से दुष्ट, तुमने इसको वरदान दिया था मेरे भक्तों के ऊपर इतने अत्याचार की, ब्रह्मा तो भाग गए। इतने में शंकर जी मनाने के लिए आए, आए तो शंकर जी का वाहन फेल है, उन्होंने देखा आधा सीधा भगवान के पास में चले गए, भगवान प्रहलाद को अपना गोद में बैठा लिया और उसको चाटने लगे, सारे क्रोध में पानी फैल गया। भगवान ने कहा प्रहलाद मेरे ये भयंकर रूप देख कर सारा दुनिया थरथर कांप रहे, तेरे को डर नहीं लग रहा है? बोले प्रभु शेर दूसरे के लिए शेर होता है, अपना बच्चे के लिए शेर नहीं होता है, मैं तो आपका बच्चा हूँ, लाला हूँ, इसलिए प्रभु आपका ये रूप है ना मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। भगवान रीझ गए, बोले प्रहलाद मेरे अपराध को माफ कर देना, मेरे लिए तेरे को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बोले बर मार, बोले प्रभु जी बर की चक्कर में मेरे को मत डालो, मेरे की बर की चक्कर में मैं थोड़ी बढ़िया हूँ, आपका भजन क्या कुछ मांगने के लिए, हम बर देना नहीं चाहता हूँ। बोले बता और क्या चाहते हो? बोले एक काम दे, एक चीज दे सकते हो? बोले बताओ। बोले प्रभु मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे, आपके आपका भक्त इधर घूम, इधर घूम, देखो ये बच्चा आके भुवन सर में प्रभु जी क्या पढ़ रहा है, आईआईटी कर रहा है, ये बच्चा देखो गले में तुलसी कट्टी, देखो तिलक पहना गले में तुलसी कट्टी है, क्योंकि चूंकि इसकी पिता माता भजन कर रहे हैं, इसलिए पहला जो गुरु है ना ये पिता माता, सबसे पहला गुरु ये साक्षात साक्षात रूप में गीता भागवत कौन? बोले स्वयं पिता माता, पहला संस्कार पिता माता से ही पड़ता है, अगर हम स्वयं गले में कंठी धारण करेंगे हरिनाम करेंगे तभी हमारे बच्चे, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बच्चे सब कहाँ गए, सब गले में कंठी माला तिलक सब बच्चे लोग धारण करते। बोले क्यों? बोले कहा अगर तेरी ऐसे इच्छा ना अनंत गर्भ पर ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड को तेरी इच्छा से मैंने मुक्त करा दूंगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। तब उन्होंने श्री भगवान को बड़ी स्तुति करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर। बोले प्रभु द्वादश